तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यम्मी डिलीशियस रेसिपी। दोस्तों, ये रेसिपी आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हो, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यिप्पी मीठी मैगी की रेसिपी। आपने तीखी मैगी तो खाई होगी, लेकिन मीठी मैगी कभी नहीं खाई होगी। तो चलिए वही मैगी बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने चाहिए 1 कप दूध। तो देखिए, दूध थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सी दूध को और ऐड कर लेती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कितना ही ऐड करना है। ये देखिए, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने। तो हमें इसको एक उबाल आए तक का इसको उबालना है, जिस तरह से हम तीखी मैगी बनाते हैं ना 2 मिनट में, बस ये भी 2 मिनट का ही कमाल है। तो देखिए, दूध उबल गया है। अब हमें इसमें ऐड करना है नूडल्स, जिस तरह से आप पानी में नूडल्स को ऐड करते हो मैगी के, यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। जब दूध बहुत ही अच्छे से उबल जाए, तब हमें इसमें ऐड करना है नूडल्स को। ऐसा नहीं है कि आप मैगी का ही नूडल्स ऐड करें, आपके पास जो भी नूडल्स है आप उसको यूज़ कर सकते हो। हालांकि हमें मसालों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नूडल्स की ज़रूरत है। तो सिर्फ नूडल्स कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं नूडल्स को डाल देती हूँ और इसको मैं दूध में सॉफ्ट कर लूँगी, जिस तरह से हम पानी में उबाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं दूध में उबाल लूँगी, तभी तो हमारा मलाईदार मैगी बनकर तैयार होगा। तो देखिए, ये कुछ ही सेकंड में ये सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से सॉफ्ट हो गया है, पक गया है। मैं इसको फॉर्क की हेल्प से दिखा देती हूँ आपको। देखिए, बहुत ही बढ़िया सा फलूदे के जैसा ये अलग अलग होने लग गया है नूडल्स। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है दोस्तों। अगर आपने ये कभी ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड कर लीजिए। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि इस फॉक से तो मिक्स होगा नहीं ना। इस स्पैचुला की हेल्प से शुगर को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो जा रहा है दोस्तों। मुझे तो ये इतना यमी डिलीशियस लगता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे घर में सारे लोग बहुत ही शौक से खाते हैं, और बच्चे तो एकदम खुश हो जाते हैं इसको देख के ही। तो देखिए कितना बढ़िया सी बन रहा है। ये देखिए, और गाढ़ा होते चले जाएगा, ये ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। देखिए, बहुत ही बढ़िया पक रहा है ये। तो अब इसमें हम कुछ मिलाते हैं ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट के बिना तो ये मीठा स्वीट अधूरा ही है। तो यहाँ पर मैंने पिस्ता लिया है, पिस्ते को कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पिस्ते को ऐड करूँगी, जो कि लुक में भी बहुत ही बेहतरीन आएगा, लुक में भी एकदम कमाल का रहेगा, और टेस्ट भी इसका दुगना कर देगा। तो देखिए, और इसके अंदर ही मैंने इलायची का छिलके को भी कद्दूकस कर लिया था, तो इलायची का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और ये देख सकते हो, जो हमारा मीठा मैगी है ठीक हो गया है, बहुत ही गाढ़ा हो गया है, यानी कि अब ये रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। तो देरी किस बात की, गर्मा गर्म सर्व कीजिए ना। ये देखिए, इतना बढ़िया सी, मैंने इसको थोड़ा सी बचा लिया था कद्दूकस करके। तो यहाँ पे मैं सर्व कर लूँगी, और मैंने काजू को भी फ्राई कर लिया था। काजू तो बहुत ही बढ़िया लगता है, इसका स्वाद को दुगना तिगना कर देगा दोस्तों। और आपने इस तरह से एक बार बना लिया ना, तो बार बार बनाने लग जाओगे दोस्तों। इसका लुक देख सकते हो आप, इतना लाजवाब है खाने में। इसका टेस्ट कितना बेहतरीन है, ये टेस्ट करके आप बताओगे मुझे उस वक्त कमेंट्स करना। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए, साथ ही लाइक और शेयर।